नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। एक बदमाश जिसे ढूंढ रही है चार राज्यों की पुलिस, एक बदमाश जो कभी भी वारदातों को अंजाम देता है और चला जाता है। एटीएस एसटीएफ के पसीने छूट गए हैं। आखिर कौन है ये बदमाश? हम आपको बताएंगे इस बदमाश से जुड़ी एक एक हकीकत। आप बस देखते रहिए तहकीकात। ये राहुल खट्टा एक सातिर अपराधी है। जब घेराबंदी करी तो कुछ बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए। जी हाँ, आज बात करेंगे उस कुख्यात बदमाश की जिस पर चार राज्यों में अनेकों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की रातों की नींद उड़ी हुई है, दिल्ली पुलिस परेशान है, हरियाणा पुलिस भी इस कुख्यात की तलाश में खाक छान रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस भी इसे नहीं ढूंढ पा रही और उत्तराखंड पुलिस भी इसे पकड़ने में नाकाम है। आखिर कुख्यात है कौन जो चार राज्यों की पुलिस को लगातार चकमा देकर अपने कारनामों को अंजाम देने में लगा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हत्या, अपहरण और रंगदारी के 38 से ज्यादा मुकदमे। नाम राहुल खट्टा, उम्र करीब 32 साल, जन्मस्थान बागपत जिले के थाना चांदीनगर का खट्टा प्रहलादपुर गांव। गैंग के सदस्यों की संख्या 50 से ज्यादा। बुलेट प्रूफ जैकेट, कार्बाइन और स्वचालित हथियारों से लैस, पुलिस से भी ज्यादा मजबूत नेटवर्क। खट्टा को पकड़ने का मिशन कई महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है, मगर आज भी ये कुख्यात पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब एसटीएफ एटीएस भी इस मिशन को पूरा करने की जुगत में लगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दहशत का पर्याय बन चुके कुख्यात राहुल खट्टा के खौफ को खत्म करने के लिए पुलिस अपना अभियान चला रही है। स्वचालित हथियारों, बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस और पुलिस से मजबूत नेटवर्क के सहारे ये कुख्यात लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये कुंडली है उस कुख्यात राहुल खट्टा की जिसको ढूंढने के लिए चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस लगी हुई है। लेकिन राहुल खट्टा की गिरफ्तारी की बात तो दूर, पुलिस उसे पकड़ने के लिए साक्ष्यों को खंगालने में भी नाकाम है। खट्टा कब, कहां, किस वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है इसका पता किसी को नहीं चलता। यहां तक कि LIU को भी इसकी भनक नहीं लगती। खट्टा अब तक चारों राज्यों से कई कारोबारियों को अपना निशाना बना चुका है और अब उसकी नजर दिल्ली NCR के कई कारोबारियों पर है। खट्टा अपहरण की दुनिया में अपने आप को बेताज बादशाह बनता देखना चाहता है। शायद यही वजह है कि लगातार उसने कई अपहरण की वारदातों को अंजाम दिया है। मगर यहां सवाल यह है कि खट्टा अपहरण कर लेता है और पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगती। बागपत के एक छोटे से गांव से निकला राहुल खट्टा एक दिन इतना बड़ा बदमाश बन जाएगा कि शायद उसने भी नहीं सोचा होगा। एक छोटी सी लूट की घटना उसे अपराध की दुनिया में ले आई और उसके बाद एक के बाद एक बड़ी वारदातों को अंजाम देता हुआ राहुल खट्टा पुलिस की हिटलिस्ट में जुड़ गया। बात साल 2009 की है जब राहुल ने एक छोटी सी लूट की घटना को अंजाम दिया और इसी लूट की घटना ने राहुल के हौसले बुलंद कर दिए। इसके बाद से ही राहुल के सर पर अपराध जगत में एक नामचीन अपराधी बनने का भूत सवार हो गया और राहुल खट्टा लगातार अनेक वारदातों को अंजाम देता गया, जिसके बाद उसकी गिनती बड़े अपराधियों में की जाने लगी। अपने कई कारनामों से अपराध की दुनिया में दस्तक दे चुके राहुल का नाम अब एक बड़ा नाम हो चुका था और वो राहुल खट्टा के नाम से जाना जाने लगा। राहुल ने लूट से अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर हत्या, डकैती, रंगदारी और फिरौती समेत कई वारदातों में उसकी मौजूदगी पुलिस के लिए भी परेशानी का कारण बन चुकी थी। राहुल खट्टा के नाम की दहशत धीरे धीरे पूरे बागपत में फैल गई और लोग राहुल खट्टा के नाम से खौफ खाने लगे। धीरे धीरे खट्टा ने अपने पैर पसारने शुरू किए और बागपत के साथ साथ मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और मुजफ्फरनगर में भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। अब खट्टा का नेटवर्क फैलता जा रहा था और इसी के साथ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपराधिक दुनिया के बड़े नामों में गिना जाने लगा। बागपत से जुर्म की गलियों में कूदने वाला खट्टा अब कहां रुकने वाला था, लिहाजा उसने अब अपने गैंग को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसे तलाश थी ऐसे लोगों की
जो उसके कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतारते हैं और धीरे धीरे उसके गैंग में कई लोग शामिल होने शुरू हो गए। राहुल खट्टा का अगला मिशन था अपने गैंग का विस्तार करना, अपने नेटवर्क को फैलाना। धीरे धीरे अनेक वारदातों के साथ ही उसके गैंग में और लोग जुड़ते चले गए और अब राहुल खट्टा गैंग का लीडर बन चुका था। एक वो भी दौर था जब राहुल खट्टा अपने एक दो साथियों के साथ ही घटनाओं को अंजाम देता था, लेकिन जैसे जैसे खट्टा अपराध की दुनिया में छाता चला गया वैसे वैसे ही उसके गैंग में सदस्यों की संख्या भी बढ़ती चली गई। एक दर्जन से ज्यादा सदस्यों को अपने गैंग में शामिल कर राहुल ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया और अपने आपराधिक मिशन को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब खट्टा के गैंग के सदस्यों की संख्या दोगुनी हो चुकी थी। इनमें कई शार्प शूटर भी थे जो खट्टा के इशारे पर किसी को भी ठिकाने लगाने के लिए तैयार रहते थे। राहुल खट्टा अपने गैंग और अपने गुनाहों का जाल फैलाता जा रहा था और पुलिस के सामने चुनौती यही कि राहुल खट्टा को कैसे रोका जाए। राहुल खट्टा के नाम की दहशत चारों ओर थी और गैंग के सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ ही राहुल खट्टा के पास अब आधुनिक हथियारों की खेप का जखीरा भी उपलब्ध था। बुलेट प्रूफ जैकेट, कार्बाइन, स्वचालित आधुनिक हथियार अब खट्टा के पास थे। खट्टा ने किसी भी गैंग के साथ काम नहीं किया बल्कि उसने खुद अपना गैंग बनाया। जैसे जैसे उसके गैंग का विस्तार हो रहा था वैसे वैसे अपराध की दुनिया में मौजूद और गैंग उसके दुश्मन बनते जा रहे थे। खट्टा अपने गैंग का विस्तार कर रहा था और दुश्मन उसके गैंग में सेंध लगाने में जुटे थे। अपने गैंग का विस्तार करने के बाद राहुल खट्टा का अगला मिशन था और राज्यों में अनेकों वारदातों को अंजाम देना। राहुल किसी का गुर्गा नहीं बना और इसलिए तमाम गैंग्स में उसके दुश्मन भी पैदा हुए। उसके बाद क्या हुआ आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बस देखते रहिए तहकीकात।